हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। अज आपां फिजिक्स यूनिट 2 दे विच मोशन इन ए प्लेन दे बारे डिस्कस करांगे। मोशन इन प्लेन, प्लेन तो भाव की हैगा। सो आ एक लाइन आ, मीन्स वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन आ, एक आयाम। जो असी एक्स ते वाई दो एक्सिस दो धुरे ले लैने जिहड़े कि एक दूजे नाल 90 डिग्री के कोण ते हुंदे आ, उस वेले उहनूं आपां प्लेन कह दिंदे आ। कि जिद्दां एक कोई इनसैक्ट आ, कीड़ी आ, वह इत्थे इदा इदा इधर उधर क्रॉल करूगी, तो वो एक्स वल नूं भी जा रही है, देखो इधर नूं गई, इधर नूं उपर नूं भी जा रही है, फिर इधर नूं जा रही, थले नूं भी आ रही। सो समथिंग लाइक दिस, मतलब इधर नूं भी वध रही है तो उपर नूं भी जा रही है। सो ये जिदा हुण कापी का जिहड़ा आह, सो दिस इज़ ए प्लेन, मतलब इत्थे जो भी तुसी समथिंग लाइक दिस जो भी इत्थे होगा वो एक पासे नहीं होगा, मान लो तो टू डिमेंशनल हो जाता, तो उन्होंने असं प्लेन कहने। सो प्लेन मोटे तौर पर आप जिदा हम समझ ही लिया वा कि प्लेन जिदा मेज का ताल आ, जिन्हों तला ताल कह सकते हैं, मेज का जो टॉप आ, मेज टेबल टॉप, जमीन थोड़ी कंध। सो ये जे वो कीड़ी कंध पर भी तुरती पी ता भी वह प्लेन के मोशन करती पी आ, जे वो जमीन पर तुरी जा रही है ता भी वह प्लेन च मोशन करती पी आ। सो इस तरह जिहड़े मतलब कीड़े मकोड़े रेंगदे, जो सप्प आ, किरली आ, ये टू डिमेंशनल मोशन करते हैं, सीधी लकीर च नहीं चल सकते, इदा सीधी लकीर चप सीधे ही ऐ चली जाएंगे। सो नॉट लाइक दैट, वो इदा 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 करके इधर उधर उधर इधर उधर कोई भी कीड़ा मकौड़ा जोड़ा है जमीन पर अलग अलग चलता है, कभी अगे न कभी उपर न कभी थले, मीनस कभी एक्स वाल कभी वाई वाल। सो ये प्लेन आ, सो मोशन इन ए प्लेन, असी प्लेन होर ही मोशन डिस्कस करना। लेट अस टेक सिंपल एग्जाम्पल के आ एक्स है अपने कोल, आ वाई आ। सो टू एक प्लेन समझा लिए असं हमेशा एक्स से वाई की सहायता लेने हों के एक एक्स से एक वाई आ ओरिजन हों। मान लो ये एक बॉडी जी हैगी एक्स से वाई, वह एक्स भी बदल रहा तो वाई दोनों ही बदल रहे। जे वो बॉडी सिर्फ इधर नी तो हूँ वह वाई नहीं बदल रहा, देखो। सो नाओ नो चेंज इन वाई, वाई फिक्स हो गया। सो वाई दे विच कोई चेंज नहीं, वाई कॉन्सटेंट आ। जे आप एक्स इत्थे 1 ले लैने, एक्स इत्थे 2 ले लैने, 3 या 4 आ, तो वाई की वैल्यू जी मान लो 3 आ, तो इत्थे भी 3 आ, इत्थे भी 3 आ, इत्थे भी 3 आ। सो मीनस इदा ये एक तरह की वन डिमेंशनल मोशन बन गई। जे असी इदा बना लैने भी आ एक मोशन आ, सो ये बॉडी जी वाई बढ़ रहा वा, वाई इज इक्वल टू 4 आ, 5 आ, 6 आ, 7 आ, पर एक्स नहीं चेंज हो रहा। सो आ एक्स जो आप देखिए तो 2 ही आ। सो आ वाली मोशन लिया, वर्टिकल एंड होरिजोंटल दोनों हालातों के एक चीज़ जी फिक्स हो जाती है। जे होरिजोंटल इदा ग्राफ आ तो वाई फिक्स हो जाता, जे ग्राफ इदा बनता एक्स के वाई के, फिर जोड़ा है एक्स फिक्स हो जाता वा, एक्स नहीं बदलता। सो आ वाली मोशन च एक्स नहीं बदलता, आ वाली मोशन च वाई नहीं बदलता। पर जो मोशन इदा होंगी हो इस तरह, यदा की मतलब आ। सो लेट अस ड्रॉ इट अगेन कि आ एक्स आ वाई आ। सो एक बॉडी जी सी इतों इतने गई, इतने यदा एक्स कि वा मान लो 2, मान लो वाई भी जोड़ा है वो 2 आ, फिर एक्स कि हो गया, एक्स हो गया मान लो 3, तो वाई हो गया मान लो 4, ठीक है। सो इदा ही आप कही कि आ वाली थान पर एक्स की वैल्यू हो गई 3.5, तो वाई की वैल्यू हो गई 4.25। यदा मतलब कि जदों बॉडी जी आ इस रस्ते एक्स वाई दे इस रस्ते तुरदी आ, तो एक्स भी बदलता, वह वाई भी बदलता। यदा मतलब बॉडी जी इन्नी दूर गई पहलों, इदा समझ लीए, फिर इन्नी दूर गई उपर नूं इधर नूं, जे आपां इहनूं इदा समझिए, पहलों बॉडी इधर गई फिर बॉडी इधर गई, तो वह आ वाले बिंदु ते पहुँच गई। आ वाले बिंदु तो यह बिंदु ते पहुँचने लई बॉडी ने इस तरह की मोशन की। सो अगेन थोड़ा वड्डी डायग्राम ले लैने, एक बॉडी जी कि इस पॉइंट पर सी, वो इस पॉइंट पर पहुँचने लई पहलों इधर नूं गई फिर उपर नूं गई,
फिर जे आ वाले पॉइंट से पहुँचना उन्हें पहलों इधर न गई फिर इधर न गई यदि पहलों एक्स वाल गई फिर वाई वाल गई सो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सो इन्ना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया। मान लो कि आप कहने बॉडी इस पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक पहुंची तो आ वाले डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किए सो पहलों एक्स वाल इधर न गई फिर वह वाई वाले पासे गई सो इधर एक्स तीन डिस्टेंस ट्रैवल किया वाई तीन डिस्टेंस ट्रैवल किया तो फिर वो इतने पहुँच गई। यदा मतलब कि असल में तो बॉडी इदा पहुंची सी पर असी जी मोशन है उन्होंने दो टुकड़िया में समझ सकते हैं कि एक तो वह एक्स वाल जाती है बॉडी इधर न जाती है फिर उस तो बाद इधर जाती है वाई वाले पासे सो एक्स वाल मोशन होंगी है वाई वाल मोशन दोनों मोशनज का जोड़ा कंबीनेशन आचुअल मोशन रिप्रजेंट करता वा। यदा मतलब है कि जी मोशन इन प्लेन आदेश दो कंपोनेंट हो गए रैक्टेंगुलर कंपोनेंट आ सो आ एक्स तो वाई आ सो वी हैव रैक्टेंगुलर कंपोनेंट रैक्टेंगुलर ये आप पहले पढ़ चुके हैं सो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट सो जी प्लेन विच हो रही कोई भी मोशन आ उहदे दो कंपोनेंट एक एक्स दिशा विच ते एक वाई दिशा विच होगा मतलब उन्हों असी दो हिस्सों विच मान सकते हैं। सो हुण इही चीज़ नूं असी दुबारा फिर देखते हैं कि एक बॉडी जी हैगी हुण आपां उहदी पोजिशन लै लैंदे हां कि मान लो आ जी बॉडी सी उहदी पोजिशन जी आ हैगी सो ए पॉइंट ते आ सो इहदा मतलब उहदी पोजिशन कितनी बनी उहदी पोजिशन बनी मान लो कि आर वन कह लें आप सो दिस इज़ अ पोजिशन वैक्टर हूँ ये पोजिशन वैक्टर यदा आर वन आ कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम टी दिस बॉडी मूव्स टू दिस पॉइंट बी सो ये बी पॉइंट पर पहुँच गई जिहदा पोजिशन वैक्टर आर टू आता मतलब कि वह बॉडी जी सी असल में ए तो बी तक गई जो आप डिसप्लेसमेंट देखिए तो आ डिसप्लेसमेंट बनया ए बी इज़ द डिसप्लेसमेंट सो ए बी जिहड़ा हैगा वो डिसप्लेसमेंट बनया सो ए बी एक्चुअल सच्ची मुची जी असली गल तो आह हुई ना कि ए तो बी तक गया कोई कोई मान लो से देर बाद सम इनसैक्ट कोई इनसैक्ट सिगा जा कोई चीज़ सी मान लो जो गेंद सी गेंद नूं तुसी इत्थों सिगा इहनूं किक कीता इत्थे तक जाके रुक गई सो इहदा मतलब ए बी डिसप्लेसमेंट हुई आ सो इत्थे हुण जे आपां देखिए आ इहदा डायरेक्शन असीं इदा शो करांगे तो जे इत्थों तुसीं एरोज़ नूं ध्यान नाल देखो तो आ दो एरोज़ इन ऑर्डर आ ओपोजिट आ यदा मतलब जब आप ट्रैंगल ऑफ वैक्टर एडिशन इतने अप्लाई करिए असी देखा कि आर वन वैक्टर प्लस ए बी की वैल्यू आर टू के बराबर आनी चाहिए आ जे ट्रैंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लाइए इतने ट्रैंगल बनती पई आ सो यदा मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आई ए बी की वैल्यू अपने को आर टू माइनस आर वन आई सो मतलब जिहड़ा बाद चो लिखा उहदा पोजिशन वैक्टर पहलों सो ए बी बी बाद चो लिखा ना बी एंड ए बी बी बाद विच लिखा उहदा पहलों माइनस ए का सो पोजिशन वैक्टर बी का माइनस पोजिशन वैक्टर ए का सो बेसिकली इदा बने पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए सो जे आप चीज़ में इदा समझते हैं तो आप जी डिसप्लेसमेंट आनू समझ सकते हैं प्लेन में डिसप्लेसमेंट हुई कि हूँ ये हले तक असी कंपोनेंट्स की कोई गल नहीं की पर सानू पता कि असी सारे सिस्टम के दो कंपोनेंट बना सकते होंगे असी इहदा नाम ए बी का नाम आर रख लैंदे आ फॉर कन्वीनियंस आर सो देयरफॉर आर कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन सो जिहड़ा आ वाली ए बी की वैल्यू आ उहदा नाम असी आर रख लिया क्योंकि दो वैक्टर नूं घटाया हैगा दो वैक्टर के सबट्रैक्शन तो बाद आर मिलिया हैगा सो देयरफॉर आर इज़ ए वैक्टर आलसो सो दिस इज़ ए बी इज़ ए वैक्टर वैसे भी सानू पता ही जे असी सिंपली कहीए कि एक डिसप्लेसमेंट हुई है ए तो बी तक तो असी उहनूं आर वैक्टर ही कहना सी जो आप एक्स वाई का जिक्र ही ना करते कोई रोल ही ना हों भी इनू आप आर कह देना सी पर क्योंकि हुण असी एक्स वाई का जिक्र कर लिया इसलिए आर कैलकुलेट करन दा एक साडे को फार्मूला लभ्या सानू कि जे पोजिशन वैक्टर्स पता होण ए तां बी दे फिर आर किदा लभ्या जाऊगा जां फिर अदरवाइज सीधा ही तुहानू आर पता होवे कि आर इन्ना हैगा आ सो इहदा मतलब कि आपां ने आर लभ लिया जिहड़ा कि पोजिशन वैक्टर जिहड़ा कि डिसप्लेसमेंट वैक्टर सीगा जिहड़ा कि पोजिशन वैक्टर्स तों असीं प्राप्त कर लिया हुण इत्थे गल आ जाणी आ कि आपां जे इहदी स्पीड की गल करिए तो फिर स्पीड के बारे आपां किद्दां गल करांगे सो इस तों पहलों कि आपां स्पीड ते जाइए इहदे कंपोनेंट्स के बारे गल कर लैंदे हुण देखो आर टू जिहड़ा हैगा आर टू वैक्टर सो ओबियसली जिहड़ा ए पॉइंट सीगा इहदे कोआर्डीनेट एक्स वन ते वाई वन ले होणगे आर आ जिहड़ा पॉइंट आ बी पॉइंट आ इहदे एक्स टू वाई टू बने होणगे सो जे आपां आम गल करिए कि एक आह
अपने कोल कोई पॉइंट आ तां मान लो ए पॉइंट आ ते इहदे कोआर्डीनेट एक्स वाई हुंदे आ ते बी पॉइंट आ इहनू एक्स वन वाई वन लै लो बी पॉइंट आ ते एक्स टू वाई टू लै लो सो आपां इद्दां करदे हुंदे आ सो इही चीज़ नूं असीं इत्थे लिख लिया भी जे असीं इद्दां करदे आ वाला सिस्टम लैंदे तां ए बी डिसप्लेसमेंट होनी सी आ डिसप्लेसमेंट आ सो ओके नो प्रॉब्लम सो इहदा मतलब है कि असीं ए पॉइंट ते पहुंचण लई की कीता असीं ए पॉइंट ते पहुंचण लई पहलों एक्स वन ट्रैवल कीता फिर वाई वन ट्रैवल कीता बी ते पहुंचण लई असीं पहलों एक्स टू ट्रैवल कीता फिर वाई टू ट्रैवल कीता इहदा दो काम कीते मतलब आर टू नूं असीं फिर जे सानूं प्रीवियस नॉलेज तो पता आ कि असीं इहनूं एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप लिख सकते हुंदे आ आर वन नूं असीं एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप लिख सकते हुंदे आ इहदा मतलब फिर अपने कोल आर टू माइनस आर वन की वैल्यू किन्नी बन जूगी उहदी वैल्यू बन जूगी आई नूं जे कॉमन लै लीए सो इट विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप सो इस तरह अपने कोल जिहड़ियां आर टू माइनस आर वन दियां वैल्यूज़ अपने को बन जाणगियां मतलब आर वैक्टर जिहड़ा हैगा आ सो जिहड़ा डिसप्लेसमेंट वैक्टर सीगा उहदी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स दे विच जे लिखनी होवे तो उहदी वैल्यू जिहड़ी आ अपने कोल वाई टू माइनस वाई वन जे कैप बन जूगी जे विच जैड डायरेक्शन भी होंगी तो फिर जैड टू माइनस जैड वन प्लस के भी आ जाना सीगा सो फिलहाल असी प्लेन विच चलते पे हाँ प्लेन विच मोशन डिस्कस करते पे हाँ सो आ एक साढ़े कोल आर दी वैल्यू आ गई डिसप्लेसमेंट वैक्टर दी वैल्यू आ गई जिहड़ा कि बॉडी दा एक्स ते वाई दे विच उहनूं आपां कन्वर्ट भी कर लिया तो जे हुण आपां देखिए कि भी बॉडी जिहड़ी आ बेसिकली उह अपने कोल फिर उही चीज़ नूं असीं फिर समझदे ये चीज़ां समझण वालियां जिन्नियां ज़्यादा जरूरी आ मतलब इहदे च होया कि उस च लिखना की आ वो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं हैगा ये समझना ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इहनूं यूज़ होना अगे जाके इसलिए कंसैप्ट समझने बहुत जरूरी आ सो जिद्दां हुण मान लो आप बॉडी ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक पहुँच गई सो आ ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक इहदा पोजिशन वैक्टर जिहड़ा हैगा वो आर वन हैगा इहदा पोजिशन वैक्टर जिहड़ा हैगा वो आर टू हैगा हुण ए टी टाइम दे विच बॉडी जिहड़ी आ ए तो बी पॉइंट ते पहुँच गई जदों ए ते सी उदों टाइम दी वैल्यू टी वन सी जदों बी पॉइंट ते पहुँचे टाइम दी वैल्यू टी टू सी इहदा मतलब आ कि जिहड़ी डिसप्लेसमेंट हुई ए बी डिसप्लेसमेंट उह किन्नी हुई आर टू माइनस आर वन ते इहनूं टाइम किन्ना लगा टी टू माइनस टी वन सो डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम की हुंदा वा वेलोसिटी सो ए वेलोसिटी बन गई सो इहदा मतलब कि जे आपां डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम दसीए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम तो अपने को वेलोसिटी आ जूगी जे हुण आपां ए वाली टाइम नूं इहदे च इहनूं वी वेलोसिटी नूं वी लै लईए तो असीं देखते हैं कि आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू वी इंटू टी टू माइनस टी वन सो इहनूं फिर असीं इदां लिख सकते हाँ इहदा मतलब बाद वाली पोजिशन जिहड़ी हैगी आर टू उहनूं असीं आर वन तो पहलों ही पता सी आर वन दे विच वेलोसिटी इंटू टी टू माइनस टी वन करके पता ला सकते हैं सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू कि बाद विच की होया होना सो इत्थे ओबियसली ये गल असीं मानते पे हाँ कि वेलोसिटी जिहड़ी आ कॉन्सटेंट आ यूनिफॉर्म आ सो ए वाली जिहड़ी वेलोसिटी की गल इत्थे आपां कीती यूनिफॉर्म वेलोसिटी की गल कीती कि वेलोसिटी जिहड़ी आ यूनिफॉर्म आ ते असीं ये जिहड़ा रिजल्ट आ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं सो जे असीं कहीए कि भई जिहड़ा आर हैगा आर टू हैगा इहनूं असीं आर दा नाम दे दईए तो इहदा नाम असीं आर जीरो रख दईए तां उह साडी मर्जी आ प्लस वी ते टी टू माइनस टी वन नूं घटा के टी आंदा होवे तां आर माइन आर इक्वल टू आर जीरो इक्वल टू वी इंटू टी बन गया सो ये तो साडी सोच आ भी असीं इहनूं किद्दां मन्निया ते इहनूं की मन्निया इहनूं की मन्निया सो असीं आर टू नूं आर नाम रखता नवां इहदा नवां नाम आ रखता इहदा डिफरेंस टी लै लिया सो देयरफोर वी सिंपली गैट आर सो सिंपलीफाइड फॉर्म जे आपां कह दईए सो आर इज इक्वल टू आर जीरो प्लस वी टी मतलब कि आ जिहड़ा सीगा आर टू इहदा नाम असीं जे आर रख दिंदे आ ते आर वन दा नाम असीं आर जीरो रख दिंदे आ सो इहदा नाम असीं आर जीरो रख दिंदे इहदा नाम आर रख दिंदे ते आ जिहड़ा टाइम टोटल टाइम लगा भी इत्थे टाइम जीरो आ इत्थे टाइम टी आ सो देयरफोर वी हैव दिस रिलेशन सो आर इज इक्वल टू आर जीरो प्लस वी टी सो इस तरह अपने कोल इह जिहड़ा वेलोसिटी दा जिहड़ा रिलेशन आ उह आ जांदा जे हुण आपां कहीए कि वेलोसिटी वेरी करदी हैगी आ सो देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी मतलब देयर इज़ एक्सलरेशन सो एक्सलरेशन आ इहदे विच हो रहा सो जे एक्सलरेशन हो रहा होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी सो एट टाइम टी वन वेलोसिटी वी वन होगी
एट टाइम टी टू वो वेलोसिटी वी टू होगी। मतलब एक्सलेशन की डेफिनेशन की है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, सो डेफिनेशन थोड़ी बदल जानिया। सो यह मतलब जो आप वैक्टर्स भी लैना तो इतने वैक्टर्स पा लो, सो एक्सलेशन इन वैक्टर फॉर्म इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो इतों फिर अपने को रिलेशन बना सकते हैं वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एक्सलेशन इन टू टी टू माइनस टी वन। सो ये रिलेशन आप इतों बना सकते हैं। सो इतों असं देखते हैं बाद वाली वेलोसिटी जी है वो पहली वाली वेलोसिटी प्लस ए इन टू चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल बेसिकली। सो टाइम इंटरवल जो असं वी टू फाइनल वेलोसिटी वी मनीए, वी वन इनिशियल वेलोसिटी यू मनीए, ए तो हैगा ही आ, टाइम इंटरवल टी मनीए, तो यह थोड़ा वही रिलेशन बन गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो बेसिकली उ चीज़ है ये वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस ए टी टू माइनस टी वन। इतने यह है कि असं वैक्टर्स जोड़े आ यूज़ करते पे। हुण यह सारी प्रोसैस के असल में की हैगा कि आर दे दो कंपोनेंट आ, वेलोसिटी दे भी दो कंपोनेंट आ, एक्सलरेशन दे भी दो कंपोनेंट आ। सो जी मेन गल इतने सारी दसन वाली बेसिक फार्मूले उ है जे साडे होंगे आ। सो डिस्प्लेसमेंट आ बेसिकली आर माइनस आर जीरो जिन्होंने तुम ध्यान न देखो तो इज इक्वल टू वी टी। सो दिस इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एस आ टी जे बटे च लै जाओ, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। सो बेसिक फार्मूला तो उही आ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो आर माइनस आर जीरो डिस्प्लेसमेंट आ, जां इहनूं भी तुसीं समझ लो आर आर टू माइनस आर वन इज आलसो डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी इन टू टाइम, सो गल तो उही आ ना, बेसिक डेफिनेशन उही आ, सिर्फ मैथमैटिकली उन्होंने इधर उधर करके उन्होंने नाम बदल दिते हुए तो डिफरेंस लै ले हुए। सो इहदा मतलब है कि आप जिहड़े हैगे आ इहदे कंपोनेंट्स ते आप जे आ जाइए कि आर हुण असीं इहनूं आर दी फॉर्म च लिखा हैगा, आर दे दो हिस्से हैगे एक्स ते वाई। सो इदे ही वेलोसिटी दे भी दो होणगे कंपोनेंट। सो जे एक मान लो प्लेन दे विच वेलोसिटी हो रही आ, सो देर इज़ सम वेलोसिटी इन दिस प्लेन, सो इन एक्स एंड वाई एंड देर इज़ वेलोसिटी वी, तो वी वैक्टर आ कोई आ, सो दिस इज़ वी वैक्टर। तो फिर ये दो कंपोनेंट होणगे, एक एक्स वाले पासे सो एक्स कंपोनेंट होगा, सो एक वाई कंपोनेंट होगा। सो दिस इज नोन एज वी एक्स, दिस इज वी वाई। सो वी एक्स देयरफॉर वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इहदी एक्सलरेशन जिहड़ा हैगा वह भी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हुंदा वा, ते आर दी वैल्यू असीं पहले ही देख ली सी एक्स आई प्लस वाई जे। सो इस तरह मतलब कि यह जिहड़े हैगे आ वाई हिस्सा ते एक्स हिस्सा इन्हां दोनों दे विच शामिल आ। तो इहदा मतलब असीं इह सारी सिस्टम नूं कल्ले एक्स एक्स वालियां दा हिसाब अलग ला सकते हैं, तो कल्ले वाई वाई वालियां दा हिसाब अलग ला सकते हैं, तो उत्थों फिर असीं अपने जो भी मैथमैटिक्स आ वो कर सकते हैं। सो फिजिक्स दी जिहड़ी इत्थे सीगी वो इन्नी ही सीगी कि बेसिक डेफिनेशन जिहड़ी आ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वो वेलोसिटी हुंदी आ, जिहड़ी एक्सलेशन दी बेसिक डेफिनेशन आ वेलोसिटी ओवर टाइम आ, बाकी सारा कुछ मैथमैटिक्स आ, यू कैन नॉट से कि फिजिक्स आ। फिजिक्स इत्थे खत्म होगी, इस तो बाद सारा मैथमैटिक्स आ, भी इधर भेजता उधर भेजता बटे नूं गुणा करता ये करता। तो ये अगे वैक्टर वाला मैथमैटिक्स आ गया कि वैक्टर दे विच किसी वैक्टर दे दो कंपोनेंट आ, तो सारे फिर एक्स एक्स वाले कंपोनेंट दे अपने रिलेशन होणगे, वाई वाई कंपोनेंट दे अपने रिलेशन होणगे। सो उन्हां दोनों नूं बाद चो कंबाइन करके असी टोटल कंपोनेंट जिहड़ा हैगा जिहड़ा टोटल रिजल्टेंट आ वह असी लै सकते हैं। वी एक्स ते वी वाई नूं जोड़ के भी लभ लांगे, सानूं पता है कि वी किदा, वी दा मैगनीट्यूड वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर दा अंडर रूट आ, ए जिहड़ा हैगा वह ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर हुंदा, आर जिहड़ा हैगा वह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दा अंडर रूट हुंदा। सो इस तरह असी जदों एक्स वी एक्स वी वाई ए एक्स ए वाई एक्स ते वाई वगैरह सानूं कल्ले कल्ले पता हैगे आ, तो असी जिहड़े उन्हां दीआं एक्चुअल वैल्यूज़ हैगियां वह भी पता कर सकते हैं। असी मतलब कि कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन दोनों चीज़ें ही करते पे हाँ। पहलों असी उन्हों रिजोल्व किया, दिस थिंग इज़ रिजोल्विंग, असी वेलोसिटी एक्सलेशन ते डिस्प्लेसमेंट नूं रिजोल्व कर लिया, तो टुकड़े करते बाद में जो टुकड़िया टुकड़िया का सारा एंड ते हिसाब किताब हो जूगा, फिर असी वापस देख लेंगे कि भी साढ़े कोल जिहड़ा हैगा एक्चुअल विच किन्ने किन्ने मैगनीट्यूड हैगे आ, वो जिहड़े एंड रिजल्ट्स आणगे जो भी हिसाब किताब ला के एक्स कंपोनेंट सानूं चाहिए वाई चाहिए उन्हां नूं असी फिर इकट्ठे कर लेंगे। सो इस तरह असी कोई मोशन जिहड़ी प्लेन विच हो रही आ उन्हूं दो हिस्सों च वंड के सौखे तरीके नाल समझ सकते हैं कि भी असी जिहड़ा आ उन्हूं किदां ट्रीट किदां करना, उहदा हिसाब किताब किदां लाया जाऊगा। हुण इत्थे आपां फिर उही जिहड़े अपने बेसिक रिलेशन हैगे आ उन्हां दा जिक्र दुबारा करदे हां। सो वी हैव
हाँ एक तो आप उपर किया ही हमने वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। सो बेसिकली यही चीज़ा असं जो दोबारा लिखिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली गल होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर ये दूजी गल है। इसलिए इदा लिखते क्योंकि आप याद किए हुए लोअर क्लासेज वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस। सो हम ये तीन रिलेशन आ बेसिकली ये तीन रिलेशन जोड़े है जो ये प्लेन में चल जाएंगे मीनस एक्स से वाई दोनों आ जाएंगे तो फिर असं इन्हों इदा लिखा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, मतलब इन्हों के पैर च एक्स पाना शुरू कर देंगे कि एक्स कंपोनेंट आ एस जोड़ा है क्योंकि डिसप्लेसमेंट है एक्स सीधा ही लिख देंगे। सो यू एक्स ज एस के पैर च भी एक्स लिख सकते हैं प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। सो वी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू एक्स स्केयर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। सो इदा ही जे एक्स की थान पर असी वाई लिख दीए तो फिर वाई वाले रिलेशन आ जाएंगे। सो ये रिलेशन असं फिर वाई वाले पासे की हो रहा एक्स वाले पासे की हो रहा क्यों कंप्लीकेशन हो जानी है प्लेन में असं फिर एक्स वाले पासे की होया वह अलग हिसाब लावे वाई वाले पासे की होया वह अलग हिसाब लावे। सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। सो वी वाई स्केयर इज इक्वल टू यू वाई स्केयर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। सो इस तरह असं ये जोड़े है एक्स तो वाई कंपोनेंट के ही रिलेशन जोड़े आ लिख सकते हैं। सो यू कैन से कि हम आ जो रिलेशन लिखे आ टू डिमेंशन ज्यादा दैन दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर्स, इन्हों के उत्ते वैक्टर है बेसिकली। सो ये वैक्टर फॉर्म के लिखे हुए आ सो इतने वैक्टर पा सकते हैं। सो वैक्टर 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 सो ए भी वैक्टर आ यू वैक्टर आ ए वैक्टर आ। सो क्योंकि स्केयर आ सो इन असं फिर डॉट प्रोडक्ट लिखा वो हले फिलहाल आप गल नहीं करते क्योंकि आप किया नहीं कम। सो देर फोर वी स्केयर यू स्केयर टू ए एस, सो इतने भी दोनों वैक्टर इतने भी इन्हों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सो वैक्टर मल्टीप्लीकेशन की जो गल करा तो फिर उदों थानू गल समझ लगेगी। सो फिलहाल असं इनू नहीं वे जिक्र नहीं करते इतने वैक्टर किदा पैणगे। सो इस तरह असी जो प्लेन में यही वाली रिलेशनस यूज़ करना आ तो ये रिलेशनस में दो बारी यूज़ करना पेगा, एक बार एक्स वाले पासे की हो एक बार वाई वाले पासे की हो। हुण इत्थे जिहड़ी नोट करन वाली गल की हैगी आ कि आ जिहड़ा टी हैगा टी रिमेन्स सेम जी, बेशक वाई वाला सारा सिस्टम आ बेशक एक्स वाला सारा सिस्टम आ क्योंकि बॉडी जिहड़ी आ एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ते पहुंची, बॉडी जी उन्हें टी टाइम लाया मान लो इतने पहुँचने उन्हें दो मिनट लाए तो दो मिनट उन्हें इधर न जा भी दो मिनट लाए इधर न जा भी दो मिनट लाए, मतलब टाइम दोनों ही सेम लेना पैना आपको। सो ये नहीं आप कह सकते ये अलग दो मिनट वे अलग दो मिनट फिर चार मिनट हो जाएंगे, आप तो टोटल इतने पहुंचे ना आपली जगह तो दो मिनट लगे, यद मतलब टाइम एक्स कंपोनेंट भी तो वाई कंपोनेंट भी उन्नी देर ही वह इतने पहुँच रहा तो उन्नी देर ही उत्ते भी चढ़ रहा इतें चीज़ पई सी। पर जिदा तुम पौड़ियाँ चढ़ते हो कोठे से चढ़ते हो तो तुम्हें यह थोड़ी है कि भी तुम गोल गोल मान लो घूम के थोड़िया पौड़ियाँ इदा गोल आ तो गोल गोल भी घूमी जाने तो उपर न भी जाई जाने, यद मतलब थोड़ी कि तुम अलग टाइम घूमन लाने तो अलग टाइम उपर जाने, जिदा जिदा तुम गोल घूमते पे हो उदा उदा उपर भी जा रहे हो, यदा मतलब जो तुम घूम के इतने तक पहुँच गए जान लो इतने तक पहुँच गए यदा मतलब तुम इन्ना उच्चा भी चढ़ गए तो एक चक्कर भी मान लो दो चक्कर भी पूरे कर ले उन्ने टाइम च। सो डिपेंडिंग अपॉन के किदा हो। सो इस तरह ये दोनों गल्लां कट्ठियां हो रही, तुसी अगे भी वध रहे हो उपर नूं भी जा रहे हो एट ए टाइम सेम, तुसी आ रस्ते ते जा रहे हो इस रस्ते नहीं जा रहे, इस रस्ते ते जाण दा मतलब आ वाले रस्ते ते जाण दा मतलब तुसी अगे भी वधी जाने पे उपर नूं भी जाई जाने पे, मतलब एक्स भी बदली जाता पाया वाई भी नालों नाल साइमल्टेनियसली दोनों गल्लां हो रही, इसलिए टाइम विल रिमेन सेम दोनों के टाइम अलग नहीं आने टाइम जिहड़ा है वह सेम रहना है। सो इसलिए इतने सारे कितने टाइम जिथे भी आया सी सेम रिलेशनस टाइम नूं आपां कोई फर्क नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक्स ते वाई कंपोनेंट नूं फर्क पाया जा रहा है। सो इस तरह यह थोड़े जिहड़े कंपोनेंट्स की फॉर्म के प्लेन के जो मोशन डिस्कस करते हैं तो इस तरह असी जिहड़े हैगे आ एक्स कंपोनेंट ते वाई कंपोनेंट उही पुराने रिलेशनस तो असी लै लैने। सो थैंक यू।